नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनिका किचन में। मैं श्वेता आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ रसमलाई बनाने की रेसिपी। बिल्कुल दुकान जैसा आपका रसमलाई बनके तैयार होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार ही रसमलाई बना रहे हैं। लेकिन उसके लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ, पूरा वीडियो जरूर देखिए और ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। नहीं तो आप दूसरी जगह जाइए ना, यहाँ पे मैं काम करूंगी। फिर मैं जा रही हूँ, आप ही करिए, ठीक है, बाय। नहीं है ना, इतना इतना स्पेस नहीं है बेटा। जब भी किचन में काम करने का टाइम होता है, मिस्टी पहले से ही किचन में आके बैठ जाती है, मुझे भी काम करना है। कभी कभी जब समझाती हूँ प्यार से तो मान जाती है, कभी कभी डांटना पड़ता है, और कभी कभी प्यार और डांट दोनों से नहीं मानती। आज फिर वही काम कर रही है, चेयर लगा के स्लैब पे बैठ गई है और पूरा डिस्टर्ब करने वाली है बीच बीच में मुझे। चलिए हम अपना रसमलाई बनाते हैं। रसमलाई बनाने के लिए 1 लीटर दूध में मैंने वेनेगर डाल के इसे अच्छे से फाड़ लिया था और इसका छेना अलग कर लिया था। अब इस छेने को हम मैश करेंगे। मैश करने के लिए आप एक प्लेट में छेना को डाल ले और प्लेट के नीचे कोई गीला टॉवल या कोई कपड़ा डाल लीजिए, ताकि जब आप मैश कर रहे हो तो आपका प्लेट आगे पीछे ना भागे और आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए इसे हमें मैश करना है हल्के हाथों से। इसे आटा की तरह बिल्कुल भी नहीं गूंथना है या कोई और प्रोसेस से इसे नहीं गूंथना है, बस इसी तरह हाथ से आप हल्के हाथों से इसे मैश करते रहिए, ताकि ये लम्स फ्री हो जाए, इसका गुठली ख़त्म हो जाए। आपको इस तरह से हाथ का ये जो तलहत्ती वाला पार्ट है उससे मैश करना है। जैसे जैसे आप मैश करिएगा आपको फील होगा एकदम हल्का होते जा रहा है। जितना आप मैश करिएगा उतना ये हल्का होते जाएगा। जब आपको लगेगा कि ये अच्छे से मैश हो गया, अच्छे से मिक्स हो गया, तब आप इसे इस तरह से गोला कर लीजिए और इसे ढक दीजिए एक कटोरी से, और ढक के इसे तब तक रेस्ट करने दीजिए और बाकी का काम तब तक शुरू कर लेते हैं। अब रसमलाई बनाने के लिए हमें एक अच्छा सा गाढ़ा सा दूध का मिक्सचर बनाना होगा। वो जो मेन पार्ट होता है वो यही होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे ये बहुत टेस्टी लगता है। मैं रसमलाई का रस ही ज़्यादा पीती हूँ। इसके लिए हम यहाँ पे 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध लेंगे और उसे अच्छे से उबाल लेंगे। जब वो दूध जल के थोड़ा कम हो जाए 400 ग्राम के लगभग, तब हम इसमें केसर वाला दूध ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा सा स्वाद आएगा और अच्छा सा कलर आएगा। इसके बाद 2 चम्मच आप चीनी डाल दीजिए, और फिर इसमें हम डालेंगे मिल्क मेड 4 चम्मच के लगभग। अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है तो आप दूध में 3 चम्मच के लगभग मिल्क पाउडर को घोल के डाल लीजिए। पर मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर मिल्क पाउडर है तो डालिए, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल अलग होता है, कलर भी चेंज होता है इससे। इसीलिए आप मिल्क मेड जरूर डालिए, मिल जाएगा इजीली आपको मार्केट में। इसके अलावा इसमें 1 चम्मच आप भर के इलायची पाउडर दीजिए, इससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और इसके बाद जो हमें डालना है वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने काजू और कागजी बादाम का बारीक चॉप किया हुआ डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने रख लिया है। चलिए अब हमारा दूध रेडी है, इसे मैं गैस बंद करके ठंडा होने दूंगी। तब तक एक चाशनी बनाना है बिल्कुल पतली वाली, उसके लिए 1 कप चीनी डालिएगा और 4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा आप पानी डालिएगा, और अच्छे से मिक्स करके गैस पे डाल दीजिए इसे। जब तक चाशनी में उबाल आता है तब तक हम छेना को चेक करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके हमने रेस्ट करने के लिए डाल दिया था। अब इसमें हम डालेंगे मैदा। मैदा से अच्छा सा वाइंडिंग आएगा। अब जब छेना को डालिएगा इसका पेड़ा बना के चाशनी में, तो ये टूटेगा नहीं। 1 चम्मच से ज़्यादा मैदा आप इसमें नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका छेना, ये जो रसमलाई बनाइएगा वो हार्ड हो जाएगा। इसे सॉफ्ट बनाना है तो 1 चम्मच देना है, वो भी पूरा भर के ही नहीं,
इस तरह से आप मैदा और छेना को आपस में अच्छे से मिक्स करिएगा हाथों से ही। इसे जोर से प्रेस करके आटा की तरह गूंथ के नहीं मिलाना है, हल्को हाथों से बस इसे मिक्स कर लेना है ताकि आपस में ये लोग ये मैदा और मिक्सचर आपका मिक्स हो जाए। चलिए यहाँ पे चाशनी हम चेक करते हैं। चाशनी बिल्कुल पतली होनी चाहिए, एक उबाल आ जाए काफ़ी है। जब तक हमारा चाशनी में उबाल आ रहा है, हमारा ये जो डो हमने रेडी किया था इसे मैंने 10 मिनट का रेस्ट दिया था। 10 मिनट के बाद इसे छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे इस तरह से। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा पीस रख सकते हैं, आप इससे भी बड़ा पीस रख सकते हैं, पर जब इसे चाशनी में डालेंगे तो ये ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा फूलता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से हाथ से आप गोल गोल घुमा लीजिए और हल्का सा प्रेस कर दीजिए। क्रैक नहीं आना चाहिए जब आप प्रेस कर रहे हो, तो एकदम हल्के हाथों प्रेस करिए। अगर क्रैक आ रहा है तो फिर से आप इसे मिक्स करके बनाइए, क्योंकि अगर क्रैक आएगा तो जब आप इसे चाशनी में डालिएगा तो वो टूट जाएंगे। चलिए यहाँ पे सारा पेड़ा मैंने रेडी कर लिया, अब इसे चाशनी में डालते हैं एक एक करके। चाशनी में डालते टाइम आप इस बात का ध्यान रखिए कि फ्लेम हाई पे होना चाहिए, एकदम खोलते हुए चाशनी में हमें ये डालना है। आप देख सकते हैं मैंने सारे रसमलाई का जो ये पेड़ा है डाल दिया है, एकदम हल्का है, ये ऊपर तैर रहा है, मतलब हमारा ये जो डो था ये परफेक्ट था, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। 5 मिनट तक इसे हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। जैसे ही आप इसे चाशनी में डालते हो और ये नीचे बैठ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका रसमलाई बहुत गंदा बनने वाला है। चलिए अब 30 मिनट के लिए इसे हम ढक के पकाएंगे। 30 मिनट बाद हम ढक्कन खोल के चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है ये फूल के, इसका साइज़ भी बड़ा हो चुका है। ढक के हमने इसे इसलिए पकाया ताकि ये आपस में, जब हम ढक के पकाते हैं तो ये आपस में उलट पुलट के दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाते हैं, इसीलिए। चलिए अब हम गैस बंद करने से पहले एक और काम है हमें करना, वो कर लेते हैं। इसके लिए एकदम चिल वाटर लेना है और उसमें हमें सारे रसमादुरी का जो ये रसमलाई का जो ये पेड़ा है उसे निकाल के डालना है। एक एक करके बहुत आराम से डालिएगा। जब मैं इसे निकाल रही थी ये टूट रहे थे, इतने सॉफ्ट बन गए थे। आराम से आप इसे निकाल के इस चिल्ड वाटर में डाल दीजिए और 5-7 मिनट का रेस्ट आप इससे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो 10 मिनट का रेस्ट दीजिए। 10 मिनट बाद इसे पानी से आप आराम से निकालिए, एक एक पीस को निकालिए और उसे हल्के हाथों प्रेस करके उसका सारा पानी निकाल लीजिए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जब इसे दूध में आप डालिएगा तो ये इसका जो दूध है वो अच्छे से ये पेड़ा इसका रसमाधुरी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इसीलिए आराम से इसका सारा पानी हल्के हाथों से निकाल लीजिए। इस बात का भी ध्यान रखिए कि ये रसमाधुरी टूटे नहीं और सारा पानी भी निकल जाए। चलिए यहाँ पे जो हमने इसका दूध यानी कि इसका रस जो रेडी किया था वो डाल दिया है और जो ड्राई फ्रूट्स हमने बचा के रखे थे वो भी डाल दिया है। अब इसे फ्रिज में डालना है हमें 5 घंटा के लिए। इसके लिए अल्मोनियम फॉल से मैं कवर कर रही हूँ, आप इसे प्लेट से भी कवर कर सकते हैं, कोई बड़े साइज़ का प्लेट लेके इसे अच्छे से कवर करके 5 घंटे के लिए फ्रिज में डाल दीजिए। 5 घंटे हो चुके हैं, रात के 11:30 बज रहे हैं। मैं लाइट जला के एक ही लाइट में इसे आराम से फ्रिज से निकाल के चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना कम रोशनी है, क्योंकि मैं एक ही लाइट जलाई हूँ, चुपचाप इसे निकाल के चेक कर रही हूँ। सब लोग सोचेंगे क्या कर रही हूँ मैं इतनी रात को। चलिए यहाँ पे मैं 3 रसमाधुरी का ये निकाल के और चेक कर रही हूँ। मैं बार बार इसे रसमाधुरी बोल रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में बिल्कुल रसमाधुरी ही चल रहा है। बिल्कुल दोनों का सेम ही रहता है टेक्सचर और टेस्ट भी, इसीलिए। ये देखिए कितना अच्छा सा रसमलाई हमारा रेडी हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में और खाने में भी अच्छा होगा। तो आप भी ये रसमलाई ज़रूर बनाइए। आपने वीडियो देखा तो आपको लगा होगा ना कि कितना आसान है इसे बनाना, तो बिल्कुल सारे स्टेप को फॉलो करके आप इसे ज़रूर बनाइए। देखिए कितना सॉफ्ट है। और मेरे साथ वीडियो शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देख सकते